चलो रोल आज जो प्रदेश के हालात और जिस तरीके से कर्मचारियों के ऊपर पहले टीचरों पर और फिर कल गैस टीचरों पर लाठी बरसाने का वाटर कैनन करने का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस ने हरियाणा सरकार के इशारों पर बेहद निंदनीय है। और मैं तो तमाम कर्मचारी वर्ग से आह्वान भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि अब जब एक उंगली बहरी सरकार आपकी आवाज़ को अधिकार देने का काम नहीं करे तो इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करो, अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि इस मैदान में उतर इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा भी लो और अपना सहयोग करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर सारे कर्मचारी वर्ग मिलकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मैदान में उतरने का काम करेंगे जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर आपका समर्थन भी करेगी, तन मन धन से आपके साथ लड़कर इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। जहाँ आज नांगल चौधरी की बात कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिम्मेवारी लगाई गई कि 22 तारीख को पूरे दल बल के साथ नांगल चौधरी के कार्यकर्ता रोहतक की पावन धरा पर जन सम्मान दिवस जो कि चौधरी देवीलाल जी का 106वां जन्म दिवस है उस पर पहुंचे, उनको नमन भी अर्पित करें हरियाणा प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन एक मजबूत नींव रखने का काम करें। कई समस्याएं यहाँ की साथियों ने बताने का भी काम किया, चाहे वो ओवरलोडिंग का घोटाला जो 500 करोड़ का था, आज भी जब मैं आया थोक में ट्रक ओवरलोड हुए चले जा रहे थे, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां खड़ी होने के बावजूद उसको नहीं रोका जा रहा, ये साबित कर देता है कि मंत्री से संतरी तक की जेबों को भरने के लिए इस तरह के इलीगल व्यापार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी काल प्रदेश में चला रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, अभी आपने नांगल चौधरी को प्रत्याशी के रूप में पत्ते नहीं खोले, तो 7 उम्मीदवार उतारे हैं, 83 पत्ते अभी रखे हुए और इंग्लिश में कहते हैं क्लोज टू माई हार्ट, पर आप बेफिक्र रहो, जैसे हमने एक गृहिणी को, एक फौजी को, 3 युवाओं को प्रदेश के अंदर 60 टिकटों में जगह दी, ये मेरा विश्वास आप रखना कि आपके बीच में से हरियाणा की बची 83 सीटों पर सक्षम योग्य और मेहनत साथियों प्रदेश के अंदर चुनाव के लिए उतारा गया। सर दूसरी बात की जाए नांगल चौधरी विधानसभा की या पूरे हरियाणा की बात की जाए, एक तरफ बीजेपी सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहीं स्कूलों में बच्चियों से झाड़ू लगवाई जा रही है। बड़ी अच्छी बात करी, जिस तरह का बयान हेल्थ मिनिस्टर का कल आया, कुमारी शैलजा जी एक प्रदेश की नेत्री के साथ साथ हरियाणा की बेटी भी, बड़ी निंदनीय बात थी कि उनके लिए अनिल विज जी ने कहा कि रिजेक्टेड मान, बड़ा मैं तो इसकी निंदा कड़े शब्दों में करता हूँ कि हरियाणा की बेटी के लिए अगर इस तरह का शब्द कहीं ना कहीं अनिल विज यूज करते हैं तो मेरे को लगता है आज वो कहीं मानसिक तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं इतना मैल आ चुका है कि वो हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं। और अब जनता जवाब दे, मैं तो हरियाणा की जनता से आग्रह करूँगा कि अगर हमारी बेटियों को कोई रिजेक्टेड मार बोलता है तो फिर अब मौका आपके हाथ में है, ऐसे आदमी को मुझे लगता है समाज भी जगह देने का काम है।